तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर्स के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करी थी हमने हमने शुरुआत जो करी थी वो थी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल शेल, और उसके बाद हमने निकाली थी कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर करता क्या है? बेसिकली कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? कैपेसिटर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन, जितने भी मोटर वाली मशीनें हैं ना, उन सभी के अंदर कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है, कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करता है। अब हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे वाले जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैपेसिटर्स का कुछ और भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमने कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल दी थी। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला आया था कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला आ गया था हमारी कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट का एरिया है ए, और दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है वो है स्मॉल डी। ऐसे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट तो हमें पहले से पता है एप्सिलॉन नॉट वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट है 8.85 × 10^-12, ठीक है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारा कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके अंदर हम लोग अगर अगर हम ये देखें कि कैपेसिटी किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करें, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में ही आंसर है कि कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमारे एक तो प्लेट का जो एरिया है ना वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, अगर हम कैपेसिटी ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, दूसरा उनके बीच की जो सेपरेशन है ना, उनके बीच की जो दूरी है, सेपरेशन है, वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। इजी, ठीक है, बड़े से बड़ा प्लेट का एरिया, छोटे से छोटे उनके बीच की दूरी, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, समझ गए? लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अगर प्लेट बना लोगे तो उनको संभालोगे कैसे? मैंने तो लोगों को दिखाया था कैपेसिटर इतना छोटा सा होता है, बिंदी जैसा भी होता है, थोड़े से इतने बड़े भी होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी बड़ी प्लेट बनाएंगे तो कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हम जनरली क्या करते हैं कि बड़े बड़े कैपेसिटर बनाने के लिए बजाय हम क्या करते हैं, बड़ी प्लेट ले लेते हैं, लेकिन बड़ी प्लेट को फोल्ड कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं। जैसे दो प्लेट ली, दो प्लेट जैसे मान लो हमने ली मेटल की फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल जिसमें हम लोग खाना वगैरह लपेटते हैं, दो पतली उनकी स्ट्रिप्स ली, ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप ली, ओके, और दोनों के बीच में लगा दिया उतना ही बड़ा पेपर, पेपर, ठीक है, उतना ही बड़ा हमने क्या लगा दिया, कोई भी पेपर, ठीक है, कॉपी का पेपर लगा लो, कुछ भी पेपर लगा लो, और उनको फिर हमने रोल कर दिया, ऐसे 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 रोल कर दिया। तो इतनी लंबी प्लेट बनने के बजाय हमारे पास रोल करने के बाद एक छोटा सा सिलेंडर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो मैंने आइडिया लगा बताया कि कैपेसिटर कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने का और भी तरीका है। दो तीन कैपेसिटर को इकट्ठे जोड़ दो, ठीक है, तीन चार कैपेसिटर को जोड़ दो, पांच छह कैपेसिटर जोड़ दो, कैसे कैसे जोड़ दो वो देखते हैं। तो कैपेसिटर को जोड़ने पर भी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, कैपेसिटर को अगर हम जोड़ देंगे ना, कैपेसिटर्स को हम कंबाइन कर देंगे, कई सारे कैपेसिटर्स को हम जोड़ देंगे तो भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझ गए? तो अब हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन, उनको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, एक के बाद एक जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ सकते हैं? और जोड़ने का जो स्टाइल है, जो कॉम्बिनेशन का जो तरीका है, वो दो तरीके हैं। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर एक कैपेसिटर से काम ना चले तो दो ले लो, दो की से काम ना चले तो तीन चार पांच जितने मर्जी ले लो,
लेकिन उनको जोड़ने का जो तरीका है वो दो टाइप का है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरीके से कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? ठीक है, तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो हम टॉपिक करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दें, अगर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दें, दो तरीके से बताया मैंने कंबाइन करने का तरीका, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये है हमारा टॉपिक। हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे मतलब टोटल कैपेसिटी निकालेंगे कैपेसिटर्स की जब हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर पैरेलल में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, समझ गए। अब हम लोग कैपेसिटर्स, आगे चलने से पहले कैपेसिटर का सिंबल भी बना लेते हैं। कैपेसिटर कैसे दिखता है? कैपेसिटर सिंबल ये है, दो पैरेलल लाइन, ठीक है, ये है कैपेसिटर का सिंबल। दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर, देख रहे हो, दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन कैपेसिटर बनाती हैं। बिल्कुल सिंपल है, दो पैरेलल लाइन बनानी है, लेकिन बच्चे इसको बनाने में भी गलतियां करते हैं। क्या क्या गलतियां करते हैं? दोनों लाइन को कभी कभार तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे छोटी बड़ी, कभी ऐसे बना देते हैं, कभी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर नहीं है, ये है सही कैपेसिटर। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये दिखाती हैं दो प्लेट्स। मैं तुम्हें बताया ना प्लेट्स से बनता कैपेसिटर, ठीक है, और तुम्हें बताया सिलेंडर कैपेसिटर कैसे बनाया हम लोगों ने, दो प्लेट्स को कंबाइन करके बनाया है कि नहीं। तो हम लोग जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन करते हैं, एक मिनट रुकना, ओके। तो ये सही तरीका है कैपेसिटर का बनाने का, छोटी बड़ी लाइनें नहीं होंगी, दोनों लाइनें एक जैसी होंगी, पैरेलल होंगी। समझ गए कि कभी कभी तुम लोगों को कैपेसिटर ऐसे भी बना हुआ मिलेगा, ऐसा कभी कभी कैपेसिटर ऐसा भी मिलेगा, समझ गए। लेकिन ये बताता है कैपेसिटर किस टाइप का है, ठीक है, ये टाइप ऑफ कैपेसिटर बताता है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दिया कि कभी कभी कैपेसिटर ऐसा भी बनाया जा सकता है और कभी कभी कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है। ये कैपेसिटर कैसा है? कैपेसिटर है, ये है वेरिएबल कैपेसिटर, ये है वेरिएबल कैपेसिटर। और ये कैसा कैपेसिटर है? ये है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रो लाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या है, हमें इस बात से मतलब है कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा कैपेसिटर सिंबल यूज करेंगे, दो पैरेलल लाइंस। तो अब हम आते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन पर, जैसा मैं कह रहा था अपने सीरीज कॉम्बिनेशन पे आते हैं हम लोग।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा करते हैं, सीरीज मतलब लाइन में, है ना, लाइन में एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जैसे माला के अंदर मोती होते हैं ना, एक धागा होता है, धागे के अंदर मोती होते हैं और सभी मोती एक लाइन पर एक धागे पे होते हैं, ठीक है। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से। एक कैपेसिटर, इसी वायर के कनेक्शन पे दूसरा कैपेसिटर, इसी वायर की इसी तार पे तीसरा कैपेसिटर, और ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अगर हम लोग अलग अलग कैपेसिटर को जोड़ेंगे, अलग अलग कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, क्लियर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम निकालना चाहते हैं। हमारे पास कैपेसिटर है C1, C2, C3, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई, बढ़ गई, घट गई, उतनी ही रही, क्या हुआ, ये हम देखना चाहते हैं। ओके। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करवाने के लिए बैटरी से तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बैटरी ही चार्ज देगी, ठीक है, बैटरी को चार्ज देना पड़ेगा तो बैटरी से ही चार्ज देगी, कैपेसिटर चार्ज होता है इसलिए बैटरी से जोड़ेंगे। ये है हमारी बैटरी। बैटरी की वोल्टेज है V, बैटरी वोल्टेज कितनी है V। ओके। मान लो हमने बीच में एक स्विच लगाया हुआ है, दिस इज की, ये है एक की, ये बीच में क्या है, एक स्विच है, समझ गए। अब हम देखेंगे कि जैसे ही स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर्स के अंदर क्या होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर चार्ज कैसे होंगे, ये देखने वाली बात है। इससे हम लोग फिर डेरिवेशन करेंगे। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही इसको ऑन करेंगे, देखो इधर ध्यान से, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी के पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, कहां से लेगा, कैपेसिटर की इस वाली प्लेट से लेगा, कैपेसिटर की इस प्लेट से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ गए। इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो इस पे आया प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू, ठीक है। इसका मतलब हमारे बैटरी ने कितना चार्ज निकाला, हमारी बैटरी ने माइनस क्यू चार्ज निकाला। कैसे मालूम पड़ा मुझे माइनस क्यू निकाला, क्योंकि टोटल चार्ज तो कैपेसिटर के ऊपर पहले क्या था, कैपेसिटर के ऊपर पहले चार्ज क्या था, जीरो था, बाद में भी जीरो रहना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही तो इलेक्ट्रॉन लेकर के गए हैं, और वो कहाँ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलते हुए, यहां से चलते हुए, यहां से चलते हुए इस कैपेसिटर के ऊपर आ गए, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। समझ गए, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया तो सामने वाली प्लेट के ऊपर क्या होगा, अगर इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया तो सामने वाली प्लेट के ऊपर इस तरफ तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से इसका मतलब इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उठ करके यहां आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। एक तरफ प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लेट की दूसरी तरफ कैसा चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए और इस तरफ आ गए, रिपेल होकर के प्लेट के उसी प्लेट के पीछे वाली साइड में आ गए, समझ गए। लेकिन तार से जुड़ा होने की वजह से, वायर से कनेक्टेड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रुकेंगे नहीं,
इसके रिपल्शन की वजह से यहां से चल करके इसके ऊपर आ गए, ठीक है, यहां से रिपल्शन की वजह से यहां से चल करके इस वाली प्लेट के ऊपर आ गए, और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सामने वाली प्लेट पर फिर से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और बैक साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वायर की वजह से जुड़े होने की वजह से ये माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से हमारे कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएंगे। क्लियर, पहले भी चार्ज जीरो था और अब भी टोटल चार्ज जीरो ही है। देखो टोटल चार्ज हर कैपेसिटर पे जीरो है, पहले भी तो जीरो था अब भी जीरो है, लेकिन अब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव इस पे उतना ही नेगेटिव इस पे, जितना पॉजिटिव इस पे उतना ही नेगेटिव इस, तो इस तरीके से हमारे कैपेसिटर्स चार्ज हो गए, ठीक है। अब हमारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, हमारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, हम कैसे क्या कहेंगे कि हमारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, हमारे कैपेसिटर पे अब टोटल चार्ज तो तीनों पे जीरो है, टोटल चार्ज तो तीनों पे जीरो ही है, लेकिन फिर भी हमारा कैपेसिटर चार्ज तो है ना, इसलिए इस पे कहेंगे Q1 चार्ज, सॉरी इस पे कहेंगे Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, तीनों कैपेसिटर्स पे एक जैसा चार्ज है, तीनों कैपेसिटर चार्ज हो गए और तीनों पे एक जैसा है, समझ गए, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कैसा है, एक जैसा। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है, इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3, ठीक है, ओके। कैपेसिटर की चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वोल्टेज बैटरी की। तो देखो कैपेसिटर की दोनों के प्लेट के बीच में कुछ वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगी। एक और बात हम बात करेंगे कैपेसिटर की, क्या चार्ज के अलावा कैपेसिटी के अलावा दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगी, वो भी निकालते हैं। तो हम यूज करते हैं Q = CV वाला फॉर्मूला, है ना, Q = CV वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी है C1, ओके C1, ठीक है, पहले कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी है C1। अच्छा वोल्टेज का क्या कहेंगे, वोल्टेज कितनी होगी, देखो चार्ज सब पे सेम है, चार्ज सब के ऊपर सेम है वो, और कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, कैपेसिटी सबकी अलग अलग, किसी की C1 है, किसी की C2 है, किसी की C3 है, तो अलग अलग चीज किसी चीज से मल्टीप्लाई करके सेम चीज आ रही है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, समझ रहे हो, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, C1 C2 C3, उसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या एक जैसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जैसी चीज मिलेगी क्या, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा चार्ज सबके ऊपर एक जैसा है, इसीलिए क्या सबकी वोल्टेज सेम होगी तो क्या चार्ज सबके ऊपर सेम आएगा, नहीं ना, इसका मतलब क्या है, सबकी वोल्टेज भी अलग अलग होगी, क्योंकि फिर से कहता हूं कि कैपेसिटी अलग अलग है, वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके चार्ज आएगा, चार्ज तीनों के ऊपर सेम है, और सेम चार्ज कब होगा, अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये होगी पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज, अगर दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी है C2, वोल्टेज होगी V2, ये दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज, और तीसरे के लिए C3 V3, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कैपेसिटी वोल्टेज अलग अलग होगी, इसकी V1, इसकी V2 और इसकी V3, तीनों कैपेसिटर की वोल्टेज अलग अलग होगी, V1 V2 और V3, समझ गए। अब एक चीज और बात करते हैं, उससे थोड़ी सी और तुम्हें समझने में मदद मिलेगी, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, देखो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो
तो वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज किन दो पॉइंट्स के बीच में है? वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के बीच में भी है, वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के बीच में भी है, वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी है, वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी है। पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से चल करके यहां तक आने में पर यूनिट चार्ज जो हमें काम करना पड़ता है वही तो है वी वोल्टेज, ठीक है? यहां से चल के यहां तक घूम करके आने में वर्क डन जो करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज वही तो है वी वोल्टेज, ठीक है? या ऐसे कह लो, यहां से चले, यहां से यहां तक काम करना पड़ा वी वन, यहां से यहां तक काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज वी टू, यहां से यहां तक काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज वी थ्री। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक आने में वी काम करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाने में भी तो उतना ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, है कि नहीं? V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब यहां से देखो, यहां से क्या मिला? यहां से V1 क्या मिलेगा? V1 होगा, यहां से देखो V1 क्या मिलेगा? Q by C1। और यहां पर यहां से क्या मिलेगा? Q by C2। और यहां से क्या मिलेगा? Q by C3, ठीक है? और V की जगह क्या लिखेंगे? V की जगह लिखेंगे टोटल वोल्टेज, यानी कि टोटल कैपेसिटी और टोटल चार्ज। समझ गए? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, ये होगी हमारी टोटल कैपेसिटी। क्लियर? फिर मैंने चार्ज को क्यों रखा? क्यू को मैंने बढ़ाया क्यों नहीं? क्यों चार्ज को मैंने क्यों ही क्यों रखा? क्यू को मैंने कुछ और वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स की जगह अगर एक कैपेसिटर लगाएंगे वो अकेला उतना ही चार्ज स्टोर करेगा जितना कोई इनमें से कोई एक कर रहा है। जितना चार्ज इनमें से कोई एक कर रहा है ना, उतना ही चार्ज तीनों को मिला करके एक बना देंगे, वो भी उतना ही चार्ज स्टोर करेगा। इसलिए मैंने क्यों लिखा, ठीक है? तो इससे मुझे क्या मिला? इससे मिला 1 by C, इसे मिला मुझे 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ठीक है? तो 1 by C, LCM ले लेते हैं, C1, C2, C3। चलो पहले इसकी बात करते हैं, इसी बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज या सी इज रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है? सी इज रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, समझ गए? तो ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी, reciprocal of equivalent capacity is equal to reciprocal of capacitance of each capacitor। हर एक capacitor की reciprocal को जोड़ दोगे तो हमें मिलेगा reciprocal of equivalent capacity। तो C आया हमारा equivalent capacity का formula। याद रखो ये formula वैसा ही है जैसा तुम 10th class में resistance का निकालते थे, जब वो कैसे जोड़ते थे रेजिस्टेंस को, कैसे जोड़ते थे तो ऐसा फॉर्मूला आता था 1 by R is 1 by R 1 plus 1 by R 2। कब मिलता था ऐसा फॉर्मूला? जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे। यहां पर हमारे कैपेसिटर कैसे हैं? यहां पर हमारे कैपेसिटर सीरीज में हैं, तब वैसा ही फॉर्मूला मिल रहा है। समझ गए? क्लियर? तो जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी ना, वो इन तीनों में सबसे छोटा होगा ना, उस छोटे से भी छोटी आएगी, यानी हमारी कैपेसिटी घट गई।
जब कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। ओके सो लिख लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी डिक्रीजेस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट कैपेसिटी decreases when capacitors are connected in series। ठीक है, equivalent capacity decreases when capacitors are connected in series। ठीक है, आज का वीडियो भी मैं YouTube पे डालूंगा, ठीक है, तो अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो उसको तुम बार बार देखो और मुझसे डाउट पूछ सकते हो। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये आया हमारा फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो तुम पूछ सकते हो। Equivalent capacity of capacitors connected in series। Okay। अगला टॉपिक करें, अगला होगा पैरेलल में, सीरीज की जगह हम लोग यूज करेंगे पैरेलल। Equivalent capacity of capacitors connected in parallel। तो अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटर्स कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होते हैं ना वो कैसे जुड़ते हैं? मैंने तुम्हें बताया कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, दो तार होते हैं। ठीक है, अगर उन दो तारों को, कैपेसिटर की दो वायर को तुम दो हाथ मानो, हैंड्स, ऐसा मानो कि दो हाथ हैं। कैपेसिटर के दोनों तारों को अगर तुम मानते हो हाथ हैं, ठीक है, तो अगर उनके हाथ आपस में जोड़ दो ना ऐसे, तो जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है, देख रहे हो, अगर ऐसे ज्वाइन कर देना तो इसका मतलब वो पैरेलल में आ गए। यानी ऐसे एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, अगर इनको ऐसे ज्वाइन कर दो और ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये कहलाएंगे पैरेलल में। समझ गए? ये हो गए पैरेलल में, इनके हाथ आपस में जोड़ दिए। क्या दो ही कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ सकते हैं? नहीं, और भी जोड़ सकते हैं। एक ऐसे जोड़ दो, और भी जोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ दो, ये सारे पैरेलल में आ गए। समझ गए? ये सारे कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में। यानी सबके हाथ आपस में जोड़ दिए, सभी के लेफ्ट हैंड एक तरफ जोड़ दिए, सबके राइट हैंड एक तरफ जोड़ दिए, लेफ्ट हैंड एक तरफ, राइट हैंड एक तरफ, कंबाइन कर दिए, ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? इसी की निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो ये है हमारे कैपेसिटर्स जो पैरेलल में हैं, ऐसे इस तरीके से,
इस तरीके से ये हमारे कैपेसिटर पैरेलल में है और ये जोड़ी है बैटरी इस तरीके से बैटरी जोड़ दी है हम लोगों ने। बैटरी जोड़नी जरूरी है, बैटरी के बगैर चार्ज नहीं होंगे, बैटरी को जोड़ना जरूरी है, बैटरी जरूर जोड़ी जाती है, बैटरी के बगैर चार्ज नहीं होंगे इसीलिए बैटरी को ज्वाइन करेंगे। बैटरी की वोल्टेज है वी, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसकी कैपेसिटी है C3, समझ गए। अच्छा अब देखो ध्यान से वोल्टेज की बात करेंगे, अगर तुम्हें वोल्टेज वाली बात समझ में आ गई ना तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तुमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो सभी रेजिस्टेंस की वोल्टेज सेम रहती है ना, पढ़ा था ना, ठीक है। लेकिन तुमने वहां जस्ट पढ़ा था और याद कर लिया, लेकिन उसको मीनिंग समझो। वोल्टेज का मतलब था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज वी है, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो वी है। तो यहां से यहां जाने का कौन कौन से रास्ता है, यहां से यहां जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यहां से गए C3 से होते हुए यहां पर गए तो भी वोल्टेज वी होनी चाहिए, यहां से चल करके ऐसे गए तो भी वोल्टेज वी होनी चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज सेम होना चाहिए, यहां से चल के ऐसे गए तो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज सेम होना चाहिए, इसका मतलब तीनों की वोल्टेज सेम रहेगी, समझ गए। इसीलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो सभी की वोल्टेज होगी सेम। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज क्या होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी है ना, चार्ज क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सबकी वोल्टेज सेम, सबकी कैपेसिटी अलग अलग, तो सबके ऊपर चार्ज कैसा होगा, इसका होगा C1V, इसका होगा C2V, इसका होगा C3V, V सबका सेम है लेकिन C सबका अलग अलग है, तो चार्ज का सेम होगा नहीं, इसका चार्ज होगा Q1, इसका चार्ज होगा Q2, इसका चार्ज होगा Q3, समझ गए। तो तीनों का चार्ज अलग अलग, Q1, Q2, Q3, अब की बार चार्ज सेम नहीं है, वोल्टेज सेम है, समझ गए। इसका मतलब ये कह सकते हो कि चार्ज, टोटल जो चार्ज होगा ना वो बट गया, तीनों में डिवाइड हो गया। सीरीज में क्या डिवाइड हो रहा था, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, यहां पर पैरेलल में कौन डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q1 यहां से देखो, Q1 क्या होगा C1V, Q2 क्या होगा Q2 होगा C2V, Q3 क्या होगा C3V, और तीनों की बजाय मैं एक कैपेसिटर लगा दूं तो, तीनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगा दूंगा तो कैपेसिटी होगी C और वोल्टेज वही रहेगी, ठीक है, समझ गए। Q की जगह CV, Q है टोटल चार्ज और C है टोटल कैपेसिटी, तो V कैंसिल आउट, तो हमें मिला C=C1+C2+C3, ये आया फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटिव कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। दिखाई दे रहा है ना, बढ़ गया, अब की बार कैपेसिटी बढ़ गई। इसका मतलब अगर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करेंगे, तब कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे, समझ गए। अगर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, तब जो कैपेसिटी आएगी वो सबसे बड़े में से, सबसे बड़े से भी बड़ी होगी, समझ गए। जो कैपेसिटी आएगी ना टोटल, इन तीनों के बजाय जो हम एक कैपेसिटर लगाएंगे उसकी कैपेसिटी तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा ना उससे भी बड़ी आएगी, यानी कैपेसिटी बढ़ गई है, क्लियर। तो ये आया फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, आज और नया टॉपिक नहीं करेंगे, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उनको ट्राई करना सीरीज और पैरेलल के, कुछ हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कल, ओके। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो किसी को भी, इसका वीडियो भी भेजूंगा,
इसका वीडियो भी मैं साथ साथ भेज दूंगा, उसको भी तुम लोग देखना। ओके, करें आज काम खत्म, आज के लिए इतना काफी है। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके सी यू।